उन्होंने नववान में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह चुनावी हथकंडा है। वोट के पहले सब कुछ सजा कर रखा गया था, फिल्म में जैसे बनाकर रखा जाता है वैसे ही यहाँ हुआ है, लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्रेडिट उस पत्रकार को जाता है जिसने नवीन मोदी का पता बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव के दौरान हम लोगों को और कई स्ट्राइक देखने को मिलेंगे, स्ट्राइक चाहे जितना करना चाहे करते रहें, लेकिन देश को खतरे में नहीं डालें। पर्दे के पीछे और भी कई राज हैं। एक्सपायरी डेट वाला दवा हम नहीं खाते। नवीन के बहुत सारे धन है और वह इस देश का नागरिक भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे देश का निजीकरण कर रही है, BSNL के लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, एयर इंडिया इतनी सुंदर संस्था है इसको भी निजी हाथों में देने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि लोग आज परेशान हैं और बेरोजगार भी हैं। भाजपा वाले जो कर रहे हैं वह सही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आचार संहिता का पालन होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, हम लोग देश की जनता को मिलकर रहने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का ये बयान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।